समझ जो आ रहा है इसके बारे में कुछ बताइए, किस तरीके का ये शो होने वाला है? ये शो एक बहुत ही यूनिक शो है जहाँ पे 46 इन्फ्लुएंसर हिंदुस्तान के सारी छोटी छोटी जगहों से, छोटे छोटे शहरों से, वहाँ के सारे हीरो को निकाल के एक घर के अंदर डाल दिया जाएगा। एनर्जी के साथ में आप होस्ट भी कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए कि क्या नया देखने को मिलेगा और क्या नया अंदाज इस बारे में एजाज को देखने वाला है? फिर से तेरी महफिल में लौट आया हूँ, अंदाज वही है, अल्फाज नए लाया हूँ। नूर भाई और महमूद सर जो डायरेक्टर है, ये स्टेज दिए, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हम लोग इन्फ्लुएंसर लोग के लिए। हम लोग जो तरीके से यहाँ पे आए ना भाई सर, आप लोग समझ नहीं सकते कि हम लोग कितना स्ट्रगल अपनी लाइफ में किए। तो ये लोग की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया, जरिया इनको बनाया। बस यही दुआ है कि हम लोग अपना 100% देवे इंशाल्लाह और अच्छे से पूरा काम करेंगे और फ्यूचर में कुछ अच्छा ग्रोथ हो सबके साथ। 46 इन्फ्लुएंसर जितने भी जा रहे हैं और भाई बहुत सपोर्ट करते हैं, बाकी सब बहुत सपोर्टर लोग, बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं लोग माशाल्लाह। तो इस लड़के की एक खूबी है, और सारे जितने टिकटॉकर्स हैं, ये सुबह उठता है 5 बजे उठ के ये अपना जिम विम करता है, ये करता है खुद का पहले, उसके बाद 6:30 बजे से इसके जो लोग ट्रेन करते हैं इसके पास वो आने लगते हैं, फिर उनको ट्रेन करता है, फिर अपने माँ बाप के सारे काम करता है। आपको उसके घर जाके इसका इंटरव्यू लेना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान के जितने बच्चे हैं जो बॉडी बिल्डर है, जो अपने आप को 30 मार खां समझते हैं, उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि कुछ ही होते हैं ऐसे लोग जो बूंदों से समंदर बन जाते हैं और ज़िंदगी से लड़ते लड़ते सिकंदर बन जाते हैं। तो इसको मैं पहले इसको सिर्फ ऐसे जानता था कि आरान एक लड़का है जो मेरा फ़ैन है, मुझसे आके मिलता है। फिर मैं इलेक्शन लड़ा, तो जो मेरा इलेक्शन का एक रैली का एक रास्ता था वो इसके घर के पास से होके निकलता था, और वो चौल में से जब मैं निकला तो वहाँ पे मतलब इसने, मैं बता रहा हूँ कि इतना मेहनत करके यहाँ पे बैठना, अपने घर वालों का ध्यान देना, फिर इसने मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, मुझे अच्छा लगता है जानने के लिए। तो इसने बताया, भाई एक वक्त ऐसा था कि 6 अंडे होते थे बॉडी में, क्योंकि अब देखो बॉडी जब बनती है, क्योंकि उसके अंदर खाना और पैसा बहुत लगता है, अगर तुमने उतना खाना उतना प्रोटीन वो नहीं दिया तो ये पैसे वालों का प्रोफेशन है, लेकिन कुछ ऐसे सिकंदर जो, तो फिर ये वो 2 अंडे खा के उसी पे वो चलता था, और वो फिर मेहनत करना फिर आना, प्रोटीन शेक के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। आज वो दौर है कि इसको प्रोटीन खाने को पैसा नहीं है, मतलब आज प्रोटीन जो लोग दे रहे हैं वो खा नहीं पा रहा है, इतने लोग इसको कि आप हमारा प्रमोट कर दीजिए, आप हमारा ये कर दीजिए, 2 फोटो हमारे डाल दीजिए, ये तो इसके घर के अंदर इतने प्रोटीन। तो ये वो क्या करता है, जो वो गरीब बॉडी बिल्डर है जो प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनको ये प्रोटीन दे देता है। अब बताओ, और भाई से सीखा है यहाँ पे आके, मैं पहले भाई लोग को फोटो में देखता था, वीडियोस में देखता था, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर लोग यहाँ आते हैं, भाई के साथ जुड़ते हैं माशाल्लाह, अच्छा लगता है। तो फोटो में देखता था कि भाई से मिलने का एक दिन और भाई के साथ बैठना है, एज अ फैन बैठना है भाई के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक काम मिल रहा है भाई के अंडर में हम लोग करने के लिए, भाई उसको होस्ट कर रही है, तो बहुत बड़ी खुशखबरी हम लोग हमारे लिए माशाल्लाह। और यहाँ से जो भी आके गया है ना कुछ सीख के गया है, और भाई का कभी भी चार आने का एक भाई ने अपने फ़ायदे का नहीं सोचा कि इससे मेरा ये फ़ायदा हो जाए। मेरा यहाँ भाई से ताल्लुका 6 रमजान से है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं कभी ऐसा नहीं देखा कि भाई 25 पैसा किसी को अपने फ़ायदे के लिए रखे हो, सबका फ़ायदा यहाँ से किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखो ये भी शो भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये भाई की वजह से हो रहा है, सब एक दूसरे को पकड़ पकड़ के जोड़ना, आप सबको मालूम है कि यही पहले लोग राइवल्स थे, ये ऐसा कर देते कि एक टिकटॉकर है उसका तो उसका, मैंने कहा इसमें राइवल मत बनो, अब तुम एक हो जाओ सब, तो फिर तुम्हारा पावर इतना हो जाएगा कि तुम, अब ये सब एक हो गए, अब ये एक हो गए तो देखो शो भी बन रहा है, और ये लोग मतलब मैं बता रहा हूँ कि अगर ऋतिक रोशन को इनकी जरूरत पड़ रही है पब्लिसिटी करने के लिए, तो आप लेवल सोच लीजिए। कोई भी बड़ी फिल्म आती है तो इन लोग का वीडियो नहीं आया तो समझ लीजिए कि वो फिल्म की पब्लिसिटी अधूरी रह गई। एनर्जी के साथ में टॉकर्स हाउस की अगर बात करें तो किस तरीके से शो की शुरुआत हुई, किस तरीके से ये पूरा कॉन्सेप्ट आया, किस तरीके से अभी फिल्म आने वाली है?
यार ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली नूर सिद्दीकी ने मुझे पहली बार सुनाया, महमूद जो मेरा दोस्त भी है और डॉन सिनेमा के वो सीईओ भी है और प्रोड्यूसर भी है टॉकर्स हाउस के, तो नूर सिद्दीकी और उन्होंने डिस्कस किया, तो मैंने कहा भाई आइडिया बहुत खतरनाक है लेकिन इतने सारे लोगों को इकट्ठा कैसे करोगे। बोले भाई आधे तो आपको बहुत मोहब्बत करते हैं, आधे को मैं इकट्ठे कर लूँगा। तो नूर सिद्दीकी ने सबको मेहनत करके इकट्ठा किया, शो को एक फॉर्मेट दिया और फिर गाना बना, गाना सुपर हिट हो गया और ये सब लोग भी शो में बड़े इंटरेस्टेड हो गए क्योंकि अब इनके लिए भी टिकटॉक बना के भी टिकटॉक बहुत, इनको भी आगे एक प्लेटफॉर्म चाहिए ना, तो इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता जिसमें 46 लोग अपना अपना टैलेंट अपना अपना, देखो लड़ाई हर घर में होती है, है? हम भी हमारे घर में रहते हैं, कभी हमारी भी हमारी बीवी से हो जाती है सुबह सुबह लड़ाई, कभी कुछ बात पे छोटी सी बात पे, फिर दोपहर में हम फोन करते हैं जानू यार हमारी गलती हो गई हमें माफ कर देना यार, और हमारी हमारे दोस्तों से भी हो जाती है कि हमारी हमारा दोस्त है साहिल हमारा झगड़ा हो गया अब एक साल हम बात नहीं किए, तो एक साल के बाद हम फोन किए, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बीतती जाती है जैसे जैसे तुम जिंदगी में आगे बढ़ते हो तो तुम्हें पता चलता है यार कि रिश्तों की अहमियत ज़्यादा होती है कि ना कि चीज़ों की अहमियत ज़्यादा होती है। पर जब तुम ये, लेकिन ये हम साहिल तब नहीं कह सकते थे जब हम मारुति 800 लेने के लिए सोचते थे कि यार एक साल एक मारुति 800 हो जाना साला डिस्को जाने का मजा आएगा। आज दो BMW है, दो वो है, ये है वो, तो अब ऐसा लगता है कि साला ये भी वो नहीं था जो हम ढूंढ रहे थे। तो आदमी हर पड़ाव पे एक चीज़ ढूंढता है। तो हमारे माँ बाप हमें हमेशा कहते हैं कि ये चीज़ें काम आएगी, ये नहीं आएगी, तो हम हंसते हैं कि यार हम आपको पता नहीं है अम्मी। ये तब पता चलता है जब हम उनके लेवल पे, उनकी एज पे और उनकी आधी एज पे, फिर हमको समझ में आता है मेरी माँ सही कहती थी यार। हमारी अम्मी हमेशा कहती है बेटा कुछ बना नहीं तो कोई दोस्त तेरे साथ नहीं रहेगा। तब हमको बचपन में ऐसा लगता है कि ये कोई भी दोस्त हमें छोड़ के जाएगा नहीं क्योंकि ये हमारा, क्योंकि तब सभी निकट्टू होते हैं। फिर काम मिलने लगता है तो उसमें एक दोस्त को काम मिलता है, तो वो दोस्त को काम मिलता है तो फिर वो हमसे थोड़ा कटने लगता है। तो हम ग्रुप में बैठे तो बोले दिखता नहीं आजकल, आता नहीं है। अरे भाई काम धंधा कर रहे हैं यार। फिर दूसरे को कहा बड़े आए काम धंधा करने वाले। फिर वो धीरे धीरे जब आगे बढ़ता तो अरे भाई इसकी तो शादी भी हो रही है यार, ये तो आगे भी बढ़ रहा है। तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है और वो मेहनत के साथ साथ तुम पॉजिटिव रहो, जिंदगी में सपने देखो, लेकिन सपने उस कदर देखो कि भाई सोते हुए मत देखो, सपने देखो रात में और उठ के वो सपनों पे काम करो। इसी के साथ में लोग टॉकर्स हाउस को कहीं ना कहीं लोग बिग बॉस के साथ में कंपेयर कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसका कॉन्सेप्ट उससे मिल सकता है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, बहुत बड़ी बात हो गई कि ऑलरेडी हमारे शो को एक इतने बड़े शो के साथ कंपेयर कर दिया, तो इससे बड़ी मतलब क्या बात हो सकती है कि हिंदुस्तान के सबसे, मतलब मैं तो उनको वर्ल्ड का बेस्ट एंकर मानता हूँ। आई थिंक ही इज़ द बेस्ट एंकर मेरे हिसाब से, बेस्ट होस्ट, बेस्ट ह्यूमन बीइंग, एंड मेरे तो भाई भी है और मुझसे मोहब्बत भी करते हैं और मैं भी उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तो मैंने उनसे बहुत चीज़ें सीखी एज अ होस्ट। एंड बिग बॉस को कितना फॉलो कर पा रहे हैं इस बार? बिग बॉस देख रहा हूँ मैं इस बार का, तो प्रॉपर देख रहा हूँ मैं इस बार। कौन आपका फेवरेट यार? मेरे फेवरेट है सिद्धार्थ शुक्ला है और शहनाज है और असीम है, हिंदुस्तानी भाव एंटरटेन कर रहा है अभी, कर रहा है वो। एंड लास्टली क्या कहना चाहेंगे जो देख रहे हैं जो उन दर्शकों से? बस यही कहूँगा कि टॉकर्स हाउस आने वाला है और 46 ऐसे इन्फ्लुएंसर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत हार्ड वर्क करके, बहुत मेहनत करके अपना नाम बनाया है और अब उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा पड़ाव आने वाला है जहाँ पे वो एक घर में बंद होने वाले हैं, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आई गारंटी यू कि हम तुम्हें हंसाएंगे भी, रुलाएंगे भी, तुम्हें गुस्सा भी दिलाएंगे, तुम्हें इरीटेट भी करेंगे और तुम्हें सारा एंटरटेनमेंट देंगे। ये कहना चाहेंगे इंशाल्लाह अभी तक का जैसा प्यार दिया है, भाई को भी बिग बॉस से माशाल्लाह बहुत अच्छा प्यार मिला है, तो अभी तो भाई वहाँ भाई कंटेस्टेंट थे और यहाँ तो भाई होस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा ही जैसा पुराना प्यार था वैसा ही नया प्यार अभी और ज़्यादा दो इंशाल्लाह, और हमारी को बहुत हेल्प करो इंशाल्लाह इस शो के जरिए, और दुआ में याद रखो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।